तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम है कि 3 जुलाई 2024 से एयरटेल, जियो और वीआई ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा चुका है, यानी 20 से 25% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर आप एयरटेल यूज़र हैं या फिर जियो का या फिर वीआई का, तो आप लोगों को यहाँ पर एक न्यू प्लान अब देखने को मिलता होगा। पहले ही मैंने वीडियो अपलोड करके आप लोगों को जानकारी दे दिया था कि 3 जुलाई 2024 से एयरटेल जियो का कितना प्लान यहाँ पर बढ़ने वाला है। इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कितना रिचार्ज बढ़ाया गया है और कौन सा नया प्लान है। ठीक है, अगर आप अभी भी एयरटेल, जियो या फिर वीआई का सिम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका नया प्लान देखने को मिलता होगा। तो यहाँ से भी आप लोग को अच्छे से मालूम हो चुका है कि कितना प्लान बढ़ाया गया है, कितना रिचार्ज बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो साथ ही साथ में आप लोग कुछ अभी फिलहाल और कुछ देखते होंगे, क्या देख रहे होंगे कि अभी BSNL का काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में अभी ट्रेंड चल रहा है और काफ़ी लोगों का पोस्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि अधिकतर लोगों का पोस्ट यही हो रहा है कि सभी लोग BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपना सिम को BSNL में पोर्ट करा चुका है। BSNL में पोर्ट कराने का रीज़न क्या है, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर जियो, वीआई और एयरटेल का रिचार्ज काफ़ी महंगा हो चुका है। रिचार्ज करना आसान नहीं है, खास करके मेरे लिए भी। तो अगर आप भी एक एयरटेल, जियो या वीआई का यूज़र हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम BSNL में अपना सिम को कैसे पोर्ट करा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एयरटेल जियो सिम है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको पोर्ट ना करा के हम एक BSNL का नया सिम परचेज कर ले, तो कैसे आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको BSNL में किसी भी सिम को पोर्ट कराना हो तो कैसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप पोर्ट करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर BSNL में पोर्ट कराने से पहले आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। मालूम पड़ा कि आपने BSNL में सिम पोर्ट करा लिया लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यानी अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। क्योंकि दोस्तों एक बार आप किसी भी कंपनी में सिम को पोर्ट करा लेते हैं तो फिर अगर आप दूसरे कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको 90 डेज का इंतज़ार करना पड़ जाएगा, यानी कि 90 दिनों के बाद फिर आप किसी दूसरे कंपनी में आप पोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर BSNL में पोर्ट कराने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, या फिर अगर आप BSNL का एक न्यू सिम परचेज करना चाहते हैं तो ये भी आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है और पोर्ट कराने से पहले आपको क्या गलती नहीं करना है, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ में ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपको BSNL में सिम पोर्ट कराना है तो कैसे आप पोर्ट करा सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम है कि BSNL का रिचार्ज प्लान क्या है, बहुत ही सस्ता प्लान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट लगा दिया हुआ है, देखते हैं BSNL का जो रिचार्ज प्लान है वो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, तो काफ़ी सस्ता है। देख सकते हैं अगर आप दूसरे कंपनी में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो अभी अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अपना सिम को BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आपको पोर्ट करना है, तो चलिए हम आपको इससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप BSNL में सिम पोर्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके एरिया में BSNL का टावर है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एयरटेल, जियो, वीआई का 5G आ चुका है, ऐसे BSNL का भी 4G और 5G आ चुका है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अभी ऐसे एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर BSNL का टावर एक भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं तो हमारे एरिया में भी एक भी अभी BSNL का टावर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके एरिया में BSNL का टावर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपके एरिया में BSNL का टावर है या नहीं है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाने वाले। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको कन्फर्म कर लेना है कि आपके एरिया में BSNL का टावर लगा हुआ है या नहीं है। ठीक है, तभी आपको अपना सिम को BSNL में पोर्ट कराना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कई सारे खबर भी अब देख चुका है कि 2025 तक भारत के अंदर जितने भी गांव है, शहर है, सभी जगह पर BSNL का टावर लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि एक साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है अगर आपके एरिया में BSNL का टावर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है। तो कैसे चेक करना है, तो चलिए मैं हमें BSNL का टावर लगा हुआ है या नहीं है तो उसको चेक करने के लिए आपको गूगल एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसको तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है BSNL नेटवर्क चेक। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट में आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा, BSNL 3, 4G, 5G इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको इसी वाले ऑप्शन में एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग होगा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से कैरियर मिलेगा या तो जितने भी कंपनी का सिम होता है वो यहाँ पर उसका लिस्ट दिखाया जाता है।
तो यहाँ पर हमें BSNL का टावर यहाँ पर चेक करना है कि हमारे एरिया में BSNL का टावर लगा हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर BSNL मोबाइल जो लिखा हुआ है इसी में आपको एक बार सेलेक्ट कर देना है। अब जैसे ही सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है या फिर जूम करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्लस का आइकन दिया हुआ है, इस तरह से आप जूम कर सकते हैं। तरीके से आपको जूम करते जाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जूम कर लिया हुआ है। अब जैसे ही जूम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाया जाएगा मैप, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको इंतज़ार करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैप ओपन हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि सर्च हेयर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इसी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और जो भी आपका एरिया है उसको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर हम अपना एरिया का नाम टाइप कर देंगे, इस तरह से आपको टाइप करना पड़ेगा। जिस भी एरिया लोकेशन में रहते हैं उसी को यहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप टाइप करते हैं नीचे आपका सजेशन में आ जाएगा कि आपका क्या एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सर्च किया तो हमारे सामने इस तरह से आ चुका है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन लाइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जहाँ पर ग्रीन ग्रीन लाइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उस एरिया में हमारा BSNL का टावर लगा हुआ है। इस तरीके से आप वेरीफाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में उतना अच्छा शो नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों आपको इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। और अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो इस तरीके से भी आपको डेस्कटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कन्फर्म हो चुका है कि हमारे एरिया में BSNL का टावर लगा हुआ है। कौन कौन से एरिया में लगा हुआ रहता है यहाँ पर आपका ग्रीन में इस तरह दिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है हज़ारीबाग, देख सकते हैं हज़ारीबाग में यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पर और भी जो अगल बगल की एरिया है वो जगह का नाम यहाँ पर आ जाता है। बाकी यहाँ पर जो ब्लैक दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि इस एरिया में यहाँ पर BSNL का टावर नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आपके एरिया में BSNL का टावर आया है या नहीं है। आपको पता चल गया है कि हमारे एरिया में BSNL का टावर लगा हुआ है, यही बात कि यहाँ पर पोर्ट कराने से पहले कुछ और गलती क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या गलती नहीं करना है, तो अभी आप करेंट में जिस भी कंपनी का आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि लाइक जियो, ओडाफोन, आइडिया या फिर अगर आप एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका भी रिचार्ज होगा, ठीक है। अगर आपका रिचार्ज खत्म होने का समय 2-3 दिन बचा हुआ है तो आपके लिए बहुत ही फायदा हो जाता है, ठीक है, पोर्ट कराने के लिए, ठीक है। और अगर आपने अभी फिलहाल में अपना रिचार्ज किया हुआ है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये भी अपना दिमाग लगा लिया था कि 3 जुलाई 2024 के पहले ही जो पुराना रिचार्ज जो प्लान था उसने अपना एडवांस में रिचार्ज कर चुका है, ठीक है। तो अगर आपने भी इस तरह से रिचार्ज कर लिया हुआ है या फिर अगर आपका रिचार्ज खत्म होने में अगर 20-30 दिन बचा हुआ है, अगर आपने 84 डेज का अगर आपने रिचार्ज करवाया है, यानी अगर 80-85 दिन का अगर रिचार्ज बचा हुआ है या फिर 1 साल का अगर आपने रिचार्ज किया हुआ है, तो उसका प्लान आपको सबसे पहले ख़त्म कर लेना है, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर पोर्ट कराना है। नहीं तो फिर आपका जो अभी करंट में आपने रिचार्ज किया हुआ है वो सभी रिचार्ज आपका बेकार हो जाएगा, पानी में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको नहीं समझना है कि हम जब पोर्ट करा लेंगे तो वो रिचार्ज हमारा चलता ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका अभी 80 दिन का प्लान बचा हुआ है, अगर आप पोर्ट करा लेते हैं तो 80 दिन का रिचार्ज आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर BSNL का जो नया प्लान आपको मिलेगा वही आपका वैलिडिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको गलती नहीं करना है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि अभी आपका रिचार्ज प्लान कितना दिन बचा हुआ है, ठीक है। जब आपका रिचार्ज होने में 5 से 3 दिन बचेगा तो उसके पहले ही आपको BSNL में पोर्ट कराना है सिम को, ठीक है। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपका रिचार्ज नुकसान ना हो। अब रही बात की दोस्तों अगर आप BSNL में पोर्ट कराते हैं तो इसमें आपको कैसे मिलेगा, कितना आपका रिचार्ज होने वाला है, क्या आपका सिम फ्री में पोर्ट हो जाएगा या फिर पैसा लगेगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि अगर आप BSNL में कोई नया सिम परचेज करते हैं या फिर किसी भी कंपनी का सिम अगर आप BSNL में पोर्ट कराते हैं तो यहाँ पर आपका बिल्कुल फ्री में हो रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पर फ्री में रिचार्ज भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा है, BSNL में आपको अधिकतर फ़ायदा ही मिलने वाला है क्योंकि इसका रिचार्ज प्लान अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, बिल्कुल यहाँ पर सस्ता प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, लोगों को जहाँ पर फ़ायदा होता है वहीं पर अपना नज़र दौड़ाते हैं, तो एक बार आप ये चीज़ देख लेना है, ठीक है। लिमिट टाइम के लिए है, हो सकता है कि आने वाला टाइम में फिर आपसे कुछ पैसे लिया जा सकता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अभी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, तो जितना जल्द हो सके आप पोर्ट करा लें। तो हम आपको दिखाते हैं कि BSNL में अगर आपको एक नया सिम परचेज करना हो या फिर BSNL सिम में अगर आपको पोर्ट करना है तो कैसे आप घर बैठे आप पोर्ट कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं करते हैं कि अपने सिम को BSNL में कैसे आप पोर्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना मैसेज बॉक्स को ओपन करना है। जैसे आप मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करते हैं यहाँ पर स्टार्ट चैट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये लिखा हुआ नहीं दिखता है तो यहाँ पर आपका पेन आइकन का ऑप्शन भी मिल सकता है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन में एक बार क्लिक कर देना है।
अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक नंबर डायल करना है 1900, ये सिम पोर्ट करने का नंबर होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी कंपनी में सिम पोर्ट कराना चाहते हैं तो उसका जो नंबर होता है पोर्ट नंबर वो 1900 होता है, ठीक है। इतना आपको टाइप करना है, उसके बाद सेंड टू वाले ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, यानी मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर में PORT, ठीक है, PORT। ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल में ही टाइप कर देना है, जैसे कि मैंने टाइप कर लिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार स्पेस देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो मोबाइल नंबर आप पोर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी मोबाइल नंबर को आप पोर्ट कराना चाहते हैं उसमें आपका मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, साथ ही साथ में उसका SMS पैक भी रिचार्ज होना चाहिए, तभी आपका सिम पोर्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर आप पोर्ट नहीं करा पाएंगे, फिर उसके लिए आपको रिचार्ज करना पड़ जाएगा। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि 2-3 दिन बचेगा, उससे पहले आपको पोर्ट करना है, ठीक है, रिचार्ज खत्म होने से पहले ही। तो यहाँ पर जो भी नंबर आप पोर्ट करना चाहते हैं उस नंबर को दर्ज कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस SMS का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको SMS वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, ये आपका SMS चला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट इंतज़ार करना है और यहाँ पर तुरंत आपका एक SMS आ जाएगा। देख सकते हैं हमारे सामने SMS आ चुका, जो कि दोस्तों इस SMS को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका UPSC कोड मिल जाएगा आपका मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा UPSC कोड नंबर मिल चुका है, जो भी नंबर हम पोर्ट कराना चाहते हैं उसका तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई तभी आएगा जब आपके मोबाइल पर रिचार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिप्लाई आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर एक UPSC कोड होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 4 दिनों के लिए वैलिड होता है, 3-4 दिनों के लिए, और इसको आपको उससे पहले इस्तेमाल करना होता है। यहाँ से आपका सिम पोर्ट कराने का जो आप मोबाइल का जो प्रोसेस था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आगे की काम आपको कैसे करना है पोर्ट करने के लिए, दोस्तों आपके नियरेस्ट में जहाँ पर भी BSNL का ऑफिस होता है वहाँ पर आपको विजिट हो जाना है, यानी जहाँ पर भी इसका रिटेलर होता है या फिर मेन ऑफिस होता है वहाँ पर जाना है। इस SMS को दिखा देना है कि आपको बोलना पड़ेगा कि इस नंबर को हमें पोर्ट कराना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, जो कि उसके लिए यहाँ पर UPSC कोड आ चुका है, क्योंकि दोस्तों सिम पोर्ट करने के लिए यहाँ पर UPSC कोड का अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कोड आ चुका है, तो इसको लेकर जाना है, और साथ ही साथ में आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, यानी कि आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है। पोर्ट कराने की जो प्रोसेस है वो वहाँ से आप काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए दोस्तों आपका एक फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद आपका एक फिंगर लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिंगर कैप्चर किया जाएगा और आधार कार्ड लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3-4 दिनों के अंदर आपका सिम BSNL में पोर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये मालूम नहीं कि आपके नज़दीकी में कहाँ पर BSNL का ऑफिस है या फिर BSNL का रिटेलर बैठा हुआ है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको फिर मैप को ओपन करना पड़ेगा। टाइप कर देंगे नियर मी ऑफिस और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके नियरेस्ट में जहाँ पर भी BSNL का ऑफिस होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं लिस्ट वाइज यहाँ पर आ चुका है, साथ ही साथ में दोस्तों यहां से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उस ऑफिस में। देख सकते हैं यहां पर कॉल भी यहां पर दिया हुआ है, डिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि कितना दूरी पर है, ठीक, और कौन सा BSNL ऑफिस क्लोज रहता है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा। कैसे आप आसानी से BSNL ऑफिस आप फाइंड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप अपना सिम को BSNL में पोर्ट करा सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों बस सिम पोर्ट करने का यही प्रोसेस था, और अगर आपको न्यू सिम परचेज करना है BSNL का तो उसके लिए भी आपको फिर नियरेस्ट में आपको BSNL ऑफिस विजिट करना पड़ेगा या फिर रिटेलर ऑफिस BSNL में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड लेके जाना है, वहाँ से आपका आसानी से हो जाएगा।